तो दोस्तों हमारे बीच में है शमशाद पहलवान और जतिन पहलवान, दोनों अखाड़े के होनहार बच्चे हैं और अच्छे पहलवान हैं और देश भर में बहुत अच्छी इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी हैं और अधिकतर समय जो है यहाँ पर जो है गुरुजी के अखाड़े में मिट्टी पर जोर हुआ करते थे। तो थोड़ा सा पूछते हैं कि अखाड़े के नए हॉल को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है और क्या खुशी का माहौल है। तो पहलवान जी जरा मैट पर आज नए हॉल पर जोर, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद करे हैं, पहले गांव में मिट्टी में करते थे लेकिन अखाड़े पर आके पता लगा है मैट ऐसा होता, मैट बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छी टेक्निक आती है, स्पीड आती है मैट पर, बहुत ज़्यादा स्पीड आती है, मिट्टी में जाके पकड़ के कुछ तो जाती नहीं, क्या रोकते नहीं है, बहुत अच्छा लगा हमको। और हमारे साथ में है हमारे ही गुरु जी के अखाड़े के उभरते हुए पहलवान जतिन, तो अभी उन्होंने मिट्टी में लड़कर कुछ मेडल लिए थे, ओपन नेशनल हुई थी उसमें मेरा गोल्ड मेडल था और जूनियर में गोल्ड मेडल था। तो ये आपने मिट्टी में लड़कर, हाँ जी, तो अब मैट पर लड़कर कैसा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, अच्छा रिजल्ट अच्छा देंगे, ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए करना है हमें कुछ, और मिट्टी के आधे घंटे और मैट के 6 मिनट बराबर है। तो अभी जो अनुभव हमें जतिन पहलवान ने बताया कि मैट के 6 मिनट जो है और मिट्टी के आधे घंटे जो है बराबर है, पहलवान जी आप जी बिल्कुल बराबर है, पसीने पसीने, हाँ जी प्रैक्टिस करिए अभी, बहुत अच्छा लगा मैट में जो करते हुए, नया मैट बनवा गुरु जी ने हमारे ने, और हमारे नियज भाई है बहुत अच्छे गौर दे रहे, बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हैं, रिव्यू पहलवान जी है, निशान पहलवान है, रेट दिया रहे हैं, बहुत अच्छे हमें टाइम दे रहे हैं और वो हम सेट कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो ने 1 महीने से हमें पेंट किए, वही टाइम दे रहे हैं, सुबह आते हैं 6 बजे और 10-11 बजे तक प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे पास, डाइट का शेड्यूल नहीं बना रखा है, खाने पीने का जितना भी है, मेहनत करने का, सोने का, सब वही करवा रहे हैं, नियज भाई उनके साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें और हमें दिन पर दिन अपने आप में प्रोग्रेस होती दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, दंगल की तैयारी कर रहे हैं, होली से दंगल से हो जाएंगे 3 महीना, उनकी तैयारी करवा रहे हैं हमारे पास और हम दोनों मैट जतिन हम छोटी कुश्ती लड़ेंगे और हम ऑपरेशन के बाद आओगे निकल के और जतिन अब सेकंड कुश्ती लड़ेगा, जहाँ भी जाएगा हर दंगल में सबकी जोड़ होगा, अच्छी कुश्ती लड़ता है। बहुत बढ़िया पहलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जतिन लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आसपास के बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो भी इधर आकर आपकी तरह गोल्ड मेडल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो, नशा पता छोड़ना पड़ेगा उन्हें, नशा पता जो है यहाँ आकर छूट ही जाता है। अच्छा, और साउथ दिल्ली में एक बड़ा अखाड़ा है तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आप क्या यहाँ पर दे रहे हो फीस गुरु जी को, या आने वाले बच्चे क्या मतलब किस तरह से एडमिशन? फ्री सेवा, कोई भी आ सकता है, बस उनकी ट्रायल होगी, अगर वो लड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं और कोशिश करते हैं उनको प्रैक्टिस करवाने की। तो अभी आपके लास्ट कुश्ती कितने? लास्ट मेरी 21,000 पर होती है। आपके पहलवान जी लास्ट? मेरी 270,000 रुपये की थी, 71,000 की, 271,000 रुपये की रॉयस से, जिसमें सर्वबाद में हुई थी नवेड़ा, हाँ जी। तो दोस्तों जिम की सबसे हुई है हिंदुस्तान में, दीपक पुणे से हुई है और अपने इससे हुई है, विक्की चार से हुई है, बन चौंटी से हुई है और सुमित करकड़ी से हुई है, हिंदुस्तान में सबसे स्वरूप है, मस्तु है, अमित है, जितने पहलवान हिंदुस्तान सबसे कुश्ती हुई है मेरी, सबसे एक सबसे कुछ हुई पड़ी है, सबसे कुछ हुई पड़ी। तो दोस्तों आप देखते हैं कि 270,000 की पहलवान ने लास्ट कुश्ती जीती, वो कई कहते हैं भाई 2-3 मिनट में कुश्ती मार ली, 3 लाख रुपए जीत ली, लेकिन कितना पसीना बहाना पड़ता है और देश के सभी पहलवानों से, सभी तगड़े पहलवानों से लड़ चुके हैं और आप भी जो लोग जिम में हजारों लाखों रुपए देते हैं कोई फायदा उसका निकलता नहीं, जैसे फूलता आदमी वैसे ही हो जाता है और पहलवान का शरीर जो है हमेशा तगड़ा ही रहता है। और जो बच्चे यहाँ पर साउथ दिल्ली के आसपास के बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो भी जतिन की तरह मेडल ला सकते हैं, पहलवान जी की जगह अभी 21,000 रुपये की कुश्ती उन्होंने मैन चंद सेकंडों में जीती है, तो बजाय पैसा देने के पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी अखाड़े में मिलता है और क्या कहते हैं जिस तरह से वो लाखों रुपये की कुश्तियाँ लड़ रहे हैं शरीर बढ़िया रहता है। दाऊ जी अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छे पहलवान थे दाऊ जी, बढ़िया बहुत, उन्होंने सबसे कुश्ती दिखाई, सबसे हिंदुस्तान सबसे, ओलंपियन पहलवान थे लेकिन ओलंपियन में जयप्रकाश पहलवान जी साथ के थे, बहुत अच्छे पहलवान थे बेदू पहलवान जी, उससे सीख मिली है, से उनके उल पे चल रहा है, बहुत अच्छे पहलवान रहे हिंदुस्तान के, साउथ दिल्ली में एक तरफ पहलवान थे। तो दोनों पहलवानों का बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह हमने पहलवानों से बात करी, नया बैट आने से पहलवानों में नया उत्साह है और वो उत्साह जल्दी मुझे लगता है मेडल्स के रूप में हमें देखने को मिलेगा, और जो बच्चे इस तरह की पहलवानी करना चाहते हैं वीरू पहलवान जी के पास वो आ सकते हैं, नीरज भाई गुरु जी के पोते शमशाद पहलवान है यहाँ पर, आज़ाद पहलवान है,
जतिन पहलवान है, इनके पास आकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो है पहलवानी आप सीखना चाहें तो आपका गुरु जसराम अखाड़े में स्वागत है।